मेरठ में एक नमक व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई है। दिन दहाड़े बेखौफ बदमाश केसरगंज मंडी में दाखिल हुए और हितेश कुमार बंसल नाम के व्यापारी की सिर में गोली मार दी। घायल व्यापारी को फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मेरठ के थाना रेलवे रोड क्षेत्र की है। व्यापारी को गोली मारने की घटना से हड़कंप मच गया। आनन-फानन में व्यापारी को मौके पर इकट्ठा होकर लोगों ने अस्पताल में पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल पर छानबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी तक हमलावरों का ना तो कोई सुराग मिला है और ना ही हमले की वजह का सही तरीके से पता चल पाया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मेरठ में अभी शास्त्री नगर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लाखों की डकैती का मामला शांत नहीं हुआ है। वहीं आज व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मारने की घटना से कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। बदमाश अब व्यापारियों को निशाना बना रहे हैं और पुलिस केवल आश्वासन दे रही है। ये केसरगंज का मामला है। हितेश बंसल एक व्यवसायी हैं। ये धूप में 4-5 लोगों के साथ बैठे हुए थे, अचानक इनके सर से ब्लड निकलने लगा, फिर इनके परिजन हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ सीटी स्कैन हुआ तो बताया गया कि बुलेट सर में लगी हुई है। और वहाँ क्या हुआ, कैसे गोली चली, किसी को पता नहीं है कहाँ चली, किसने चलाई। मौके पर फॉरेंसिक की टीम है, जाँच की जा रही है। थोड़ी देर में सारे तथ्य सामने आ जाए। सर, किसी ने देखा नहीं है, आवाज़ नहीं है, ऐसा तो नहीं इस वारदात में साइलेंसर का इस्तेमाल हुआ? नहीं नहीं, अभी सारी चीज़ें जांच की जा रही हैं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जिस तरह से बुलेट लगी है वो साइलेंसर की नहीं है, सुपरफिशियल अंदर 1 से 1.5 सेंटीमीटर अभी अंदर है। शाम को अपडेट करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा कौन से बोर की बुलेट है, उससे अपने आप डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा क्या है कैसे है, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे जो भी सही होगा।